पुलिया बनाते समय नहीं रखा अधिकारियों ने ध्यान, घटिया काम नियमों की अनदेखी से बहा पुलिया। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। पुलिया बनाते समय स्थानिकों ने घटिया काम होने की शिकायत भी की थी, पर इसको अनदेखा किया गया है। पारशिवनी से थोड़ी ही दूरी पर सालई मावली ग्राम के पास गुजरती पेंच नदी के ऊपर पिछले दिनों पुलिया का निर्माण काम 12 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर पूरा किया गया था, जो यहाँ के स्थानिक नागरिकों के लिए यह पुलिया आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर पिछले महीने 28-29 तारीख को पेंच नदी में आई बाढ़ से यहाँ का पुलिया 30 तारीख को नदी के पानी के बहाव में बह गया। पुलिया बनते समय ही यहाँ के नागरिकों ने पुलिया का घटिया निर्माण काम होने की शिकायत संबंधित विभाग से की थी तथा घटिया काम एवं नियमों की अनदेखी होने से यह काम रोका गया था। फिर भी लोगों की शिकायत को अधिकारियों ने नजरअंदाज करते हुए इस पुलिया का काम फिर से शुरू किया गया था। पूर्व विधायक को भी इसकी शिकायत की गई थी, पर उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं देने से यह पुलिया बनाया गया, जो पिछले महीने आई नदी में बाढ़ से 30 अगस्त 2020 को सुबह यह पुलिया नदी में बह गया। जब पुलिया का निर्माण काम घटिया सामग्री के उपयोग एवं नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों की लापरवाही से यह पुलिया बनाया गया, तो इसकी जानकारी होते हुए भी पुलिया बनाया गया। पुलिया पानी के बहाव में बह जाने यह उजागर करता है कि बड़े पैमाने पर इस निर्माण काम में धांधली की गई है। यह आरोप कांग्रेस के नेता उदय सिंह यादव ने लगाए है। अधिकारियों को लोगों ने लेखी तकरार की होगी, और फिर भी अधिकारियों ने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो सारे अधिकारी इसमें दोषी रहेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने 4 तारीख को वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बना के चौकसी वो कर दी है, और हमने भी इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए और एक गलत डिजाइन जिन्होंने मंजूर की उनके ऊपर भी, और उन अधिकारियों पर दबाव डाल के गलत डिजाइन किसने मंजूर कराया उस लोक प्रतिनिधि पे भी, अधिकारियों के साथ एक गैर जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना सरकार का पैसा नुकसान हुआ है इस वजह से, इस परिसर के विकास में और पर्यटन क्षेत्र के मामले में भी प्रभावित हुए हैं, तो इसलिए जो नुकसान सरकार का हुआ है और इस क्षेत्र के विकास कामों में जो भी नुकसान इस वजह से हुआ उसकी वसूली इनसे की जाए। टेक्निकली जो परफेक्ट ड्राइंग है वो ड्राइंग मंजूर करा के, पैसा ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, मगर इसके बाद ठीक है आज दुर्घटना हो गई, किसी की जीव हानि नहीं हुई, मगर महाड़ जैसी दुर्घटना हो जाती तो पुलिया टूट गया तो अपन 10 पुलिया नए बना सकते, मगर किसी की जान चली गई तो जान वापस नहीं ला सकते। इसीलिए ऐसा कभी भी दबाव डाल के कोई गलत काम किसी अधिकारी से नहीं कराना है, और हम नया पुलिया मंजूर कराने के लिए और उसको लगने वाला जो भी पैसा रहेंगे उसके लिए हमारे इस विभाग के बांधकाम मंत्री सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तथा आज के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री माननीय अशोक चव्हाण साहब इनके तरफ जिले के पालक मंत्री के माध्यम से पाठपुरावा करेंगे। पानी के बहाव को देखते हुए तथा उगम स्थल के पास पुलिया बनाते समय पुलिया का डिजाइन ही गलत बनाया गया था, जो अधिकारियों पर दबाव बनाकर मंजूर किया गया। और तो और पुलिया बनाते समय नियमों की अनदेखी की गई है। अगर सही तरीके से यह पुलिया का काम होता तो आज यह पुलिया पानी के बहाव में ना गिरता। यहाँ पर किया गया काम पूरी तरह से नियमों को ताक पर रख कर किया जाने से आज यह पुलिया की हालत 2 साल में खस्ता नजर आने से यह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जो इस बात की उच्च स्तरीय चौकसी होने पर धांधली करने वालों की पोल खुलकर सामने आ सकती है तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इस पुलिया का निर्माण कार्य घटिया होने की शिकायत स्थानिक लोगों ने की थी और काम भी बंद करवाया था। तत्कालीन विधायक को भी जानकारी दी गई थी, नागरिकों ने इसके खिलाफ निवेदन भी दिया था। सही तरह से काम करने की मांग की गई थी, पर अधिकारियों ने लोगों की शिकायत को अनदेखी कर शिकायत की ओर ध्यान नहीं दिया। इस काम में भ्रष्टाचार होने की शिकायत भी की थी, पर अधिकारियों की अनदेखी आज पुलिया को नदी में बहाने में मददगार हुई है, यह आरोप नागरिकों ने लगाया है। इन बीस न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।